परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस को अपने कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। ये बस फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच में चलेगी। दिखाई दे रहा ये नजारा परिवहन शर्मा के कार्यालय का है, जहां आज उन्होंने इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर फरीदाबाद और गुरुग्राम की जनता को समर्पित किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस है। इस बस को ट्राई के रूप में शुरू किया जा रहा है। अगर अनुभव बेहतर रहता है तो पूरे हरियाणा में इस तरह की बसेस चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बस के चलने से बढ़ते प्रदूषण और डीजल के दामों से राहत मिलेगी। मूलचंद शर्मा के मुताबिक डीजल बसों के मुकाबले इस बस की रूनिंग कॉस्ट बेहद कम आएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये बात पूरी तरह से आधुनिक बस है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से लेकर कई तरह की सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि बस को चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। डायरेक्टली उसको जिस समय इंसिडेंट हुआ है उससे 30 सेकंड पहले से लेकर पूरी लाइव रिकॉर्डिंग उसके पास में आ जाएगी। पूरी भाई साहब पीछे पीछे कैमरा नीचे का दे ये बैनिक बटन गवर्नमेंट मीडिया नया बैठ जाओ नीरस पुलिस स्टेशन और आपके कंट्रोल रूम में कैसे बैठे भाई बस रुको जरा चलो भाई मुकामा चलो हो जाएगा रिकॉर्डिंग करते हैं आप कल को बस में कोई इंसिडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं उसको हरियाणा सरकार का जो है एनटीपीसी ये निगम के साथ जो है हमारा एमओयू साइन हुआ है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक बस जो है मैसेस जेबीएम कंपनी ने हमें दी है और इसका कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई उसमें धुनी रही था बिल्कुल और इसमें बिल्कुल साधारण तो किराए के अंदर ही वातानुकूलन का आपकी सेवाएँ आपको मिल रही हैं और सिंपल किराया जैसे गुड़गांव से बल्लभगढ़ का है 50 रुपये रखा गया है केवल और ये केवल जनता की सुविधाओं को देने के लिए ये किया गया है और सरकार का पहला वो है कि इसमें पोल्यूशन कम हो और ये ट्रायल बेस पे 2 महीने के लिए इसको लगाया गया है। ये सब क्या कॉस्ट मानकर चलो और क्या ये हरियाणा सरकार की बस है ये माना जाए जी? हरियाणा सरकार ने इसको 2 महीने के लिए जो इसको हायर किया है लेकिन कॉस्टिंग के बारे में अभी कुछ इसका आइडिया नहीं है। फायदा इसका बहुत है क्योंकि इसमें डीजल का खर्चा हमारा जैसे तो काफ़ी आता था, अब इसमें मात्र जो है 500 या 600 रुपए के अंदर ही हमारा यहाँ पे गाड़ी यहाँ से बल्लभगढ़ तक पहुँच जाएगी। बैटरी की बस है जी। चार्ज का कितना खर्चा रहता है? चार्ज इसका कम से कम भी आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक के इसका होगा, चार्जिंग होगा। जैसे इनको मॉर्निंग में करेंगे और ये 2 चक्कर मारेगी और फिर इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए इसको हम लगा देंगे, चार्जिंग पे लगा देंगे, फिर उसको दोबारा से भेज देंगे। सर एक चार्ज में कितने है, तो आगे भी जो है और बढ़ाई जा सकती है? हाँ जी, अगर सफल होता है, सफल होती है तो निश्चित तौर से सफल होगा और ये इसको जो है और भी सरकार की योजना है कि लेकिन पहले इसको ट्रायल बेस पे इसको गुड़गांव से बल्लभगढ़ के रूट पर ही इसको रखा गया है। जी एम साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि 180 किलोमीटर के करीब चलती है ये। हाँ जी, तो ये माना जाए चंडीगढ़ जैसे रूट पर तो नहीं, अभी नहीं, बड़ा मुश्किल है। जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे बीच में, जैसे अपना पिपली तो हो या कनाल होगा, ये सरकार की अगली योजना है बेसिकली। अभी तो इनको लोकल NCR के अंदर ही जहाँ पर आपका पॉल्यूशन नहीं है, आपको यहाँ से जैसे लोकल जो शहर हैं आसपास के भी वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन पहले हमें लगाने पड़ेंगे तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस चालू कर रहे हैं, क्या खासियत है इसकी और कहाँ कहाँ चलेगी ये? ये हरियाणा की पहली आधुनिक बस है और इस बस में जो सारी सुविधा जो होनी चाहिए AC है, अगर बस का ट्रैक कहाँ चल रही है बस की उसकी भी जानकारी है, सवारी को किस स्टेशन पर उतरी है वहाँ भी जानकारी है और पॉल्यूशन, ये पहली इलेक्ट्रिकल बस है और जिसकी हम शुरुआत इलेक्ट्रिक बस की आज शुरुआत कर रहे हैं। ये गुड़गांव फरीदाबाद ये बस चलेगी और इसके हमारे जो JBM कंपनी उसने इसको बनाया है और आज इसकी शुरुआत करने के बाद जानकारी लगी भाई डीजल और इलेक्ट्रिक में कितना फ़र्क है। अभी ये ट्राई के तौर पर इसकी शुरुआत हमने करी है भाई, इस ट्राई से कितना बस को कितना लाभ मिलेगा, कितनी सवारियों को लाभ मिलेगा, क्या इसके परिणाम होंगे और इस बस का जो सबसे बड़ा लाभ बेनिफिट ये
जो पॉल्यूशन से केंद्र की और जो प्रदेश की सरकार जो पॉल्यूशन पर रोज इस तरह के पॉल्यूशन रहित जो करने जा रही है उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। और दूसरा लाभ ये मिलेगा जो डीजल रोज रेट बढ़ता है और जो परिवहन जो घाटे का सौदा हो गया, जो परिवहन का हम किराया नहीं बढ़ा सकते और किराया बढ़ाने के बढ़ता है तो लोग उसको सह नहीं पाते, ये इलेक्ट्रिकल बस का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें इस तरह की परेशानी इसमें नहीं रहेगी। अगर किराए की बात करें तो जिस तरह से आप फ़ायदा बता रहे हैं आम लोगों का, किराए में कोई फ़ायदा होगा या बढ़ा हुआ किराया लिया जाएगा, क्या रहेगा किराया? ये सामान्य जो बाकी बसों का वही है, नहीं सामान्य जो बस है उससे ये बस जो कहा है बताया है जो अपने उससे सस्ती है। उससे अगर मान लो गुड़गावा अगर डीजल बस 2000 रुपये का लगता है, ये 500 रुपये में गुड़गावा तक जाएगी, जबकि 500 और 2000 का बड़ा फ़र्क है। और इससे सबसे बड़ी जो पॉल्यूशन करते हैं, जब बस शहर में पॉल्यूशन होता है बड़ी परेशानी होती है, लोग गर्मी में परेशान रहते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक और एसी बस भी है और इससे कई वजह से इसको पुलिस से काउंटर करेंगे, इसको भाई पुलिस में जैसे मान लो कोई सवारी को पीड़ा है परेशानी है जो पैनिक में जो बटन दबाएंगे उसकी जानकारी थाने मिलेगी कि इस बस फलानी बस में परेशानी है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। बताया जा रहा है कई खूबियां हैं इस बस में, पैनिक बटन के साथ साथ में अगर कोई आग जैसी कोई बात आती है तो पहले ही पता चल जाएगा, गेट अपने आप खुल जाएंगे, और क्या क्या बाकी खूबियां हैं इसमें? दूसरी इसमें सवारी को कहीं तरह कंडक्टर कहने की जरूरत नहीं है, बटन दबाने के बाद अपने खिड़कियां खुल जाएंगी और खिड़की जब तक नहीं खुलेंगी जब तक सवारी बैठने जाएगी, अभी सबसे बड़ी खूबी है। ये तो आधुनिक बस है, इसका तो सब सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस से थाने से स्टेशन से जुड़ी हुई है और एसी बस है। फिर क्या है कि सबसे बड़ी जो पॉल्यूशन जो बसों से होता है, सबसे बड़ी परेशानी है जो पॉल्यूशन और डीजल के जो रेट पड़ते हैं अपार जो होते हैं यार पर, इससे सबसे बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा इस बस का कि जो डीजल की जो खपत है, जो विदेशी जो मुद्रा जाती है उसका भी लाभ हम सबको मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की बात तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में अगर इसकी कीमत की बात करें, चूँकि आगे आने वाले वक्त में अगर प्रयोग सफल रहा तो और भी आप बसें लाएंगे, तो कितनी कॉस्ट आ रही है इसमें? नहीं, इसकी कॉस्ट जो पड़ती है 1 करोड़ के, जो मुझे जानकारी दी है 1 करोड़ के आसपास इसकी है कि जो कॉस्ट है इसकी, और वो बस हमारे 24-25 करोड़ के आसपास पड़ती है आम नॉन बस, और ये 1 करोड़ के आसपास है। बात पैसे की नहीं, बात सबसे बड़ी है पॉल्यूशन की, लोग जो परेशानी झेलते हैं और पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और इस बस में जो हरियाणा रोडवेज की जो बस है इसका क्या है कि सवारी कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं छोटे रास्ते से है कहीं बड़े रास्ते से निकलते हैं, इसका लाभ सबसे बड़ा लोगों को इसका लाभ मिलेगा कि बस कहाँ तो एसी बस है। ये बस तो क्या है कि दूसरी बसें जो हैं जो वॉल्वो हैं या दूसरी बस है वही है, पर ये पहली बस है, इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा इसकी ट्रायल देखने के बाद। यार समस्या ये है चार्जिंग पॉइंट की, कि अभी चार्जिंग पॉइंट नहीं बने हैं, तो अगर इस बस को लॉन्ग रूट पे अगर ले जाया जाएगा तो वहाँ दिक्कतें आएंगी? इस तरह की पहले भी केंद्र की तरफ से एक डायरेक्शन आई थी कि हरियाणा में जितने अपने बस स्टैंड हैं वहाँ पे चार्ज स्टेशन बनाने पड़ेंगे और स्टेशन उन पर चार्ज के लिए भाई हर भाई जो है हाईवेज हैं स्टेट में हैं उन सब पे इस तरह के स्टेशन बनाने पड़ेंगे जहाँ पे चार्ज में। अभी शुरुआत अगर सारी चीज़ होगी ज़्यादा परेशानी नहीं इसमें, अगर ये हो जाए ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी कि इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने जहाँ भी बनाने हैं तय करेंगे भाई इसका लाभ मिलेगा।